कहती है कायनात की पुर कैफ कैफियत, कहती है कायनात की पुर कैफ कैफियत, बैठे खुदा में आमद नफ़्से खुदा है यार। और कितना हसीन तर है ये मंजर न पूछिए, बरसों के बाद भाई से भाई मिला पूछिए, ज़हने रसा की फिक्र बलावत न पूछिए, मिदहत का लफ्ज़ लफ्ज़ फसाहत नुमा है। बारगाहे मौला में नजराने अकीदत पेश कर रहे थे जनाब फसाहत जौनपुरी साहब, जिन्होंने मुश्किल कुशाए कायनात हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद की इल्मियत का एतराब करते हुए आगाज़े गुफ्तगु ही में कहा कि अली इल्म की रोशनी बांटते हैं। बेशक अली इल्म व अदब की उस अहम शख्सियत का नाम कि जिसका नाम अगर अरबी अदब से हटा दिया जाए तो अरबी अदब अदब न रह जाए बल्कि बेअदब हो जाए। अली की जबान से निकला हुआ हर जुमला अपने दामन में इल्म और अदब का एक समंदर समेटे हुए। मुश्किल कुशाए कायनात के अजीम खुतबात जिन्हें जनाबे रजी आला मकामहु ने यज्ञा किया, जो नहजुल बलागा के नाम से मशहूर और मारूफ हैं, आप तमामी हजरात वाकिफ हैं। और ये मौला अली के वो खुतबाते अजीम की अजीम किताब के मुसलमानों की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामतुल अजहर के निसाब में भी ये किताब शामिल है। यानी वो हजरात जो अली को नहीं मानते हैं लेकिन अली की इल्मियत का एतराफ करते हुए इस बात के मोतरिफ हैं कि अली को बगैर पढ़े हुए कोई तालिबे इल्म नीम मुल्ला खतरे ईमान तो बन सकता है लेकिन कोई आलिम नहीं बन सकता। और इसी की मुनासिबत से शायर मौलाए कायनात ने मुश्किल कुशाए कायनात हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम के अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अजीज, जब अगर दुरूद और नारे की अगर बात आया करे तो उसमें किसी किस्म की कंजूसी से काम ना लिया कीजिएगा। ये नारे दुरूद आप हजरात की बेदारी का ही सबूत सिर्फ नहीं है बल्कि आप हजरात के हसनात में मजीद इजाफे का जरिया और सहारा भी है। लिहाजा जब कभी भी दुरूद की बात आए या नारे हैदरी की बात आए, देखिए दुरूद हसनात में इजाफे का जरिया है, लिहाजा इसमें कभी कोताही ना बरतना, नारे हैदरी में कभी कोताही ना बरतना, क्योंकि नारे हैदरी सिर्फ नारे हैदरी नहीं है बल्कि आपकी इज्जत माँ पाको पाकीजा तैयबो ताहिर माओ की इज्जत का मुकम्मल कसीदा है।
अली को याद करते हैं, और जिनकी किस्मत में ये पाकिजगी नहीं आई उनकी अली से दूरी का भी यही नतीजा है। शायर ने इसीलिए एक शेर कहा कि मिलावट का लहू क्या मुर्तजा को याद रखेगा, मिलावट का लहू क्या मुर्तजा को याद रखेगा, मिलावट का लहू क्या मुर्तजा को याद रखेगा। मैं आगे का मिसरा भूल गया, अब दूसरे चार मिसरे सब खरा है। मिलावट का लहू क्या मुर्तजा को याद रखेगा, खरा है खून जिनका वो अली को याद करते हैं, खरा है खून जिनका वो अली को याद करते हैं। और जब अली और पाकिजगी और माँ की तहारत की बात है तो ये चार मिसरे भी समाप्त करवा दे कि इसलिए नामे अली पर मुस्कुराता हूँ वकील, है मेरा लहू इजहार होना चाहिए, इसलिए नामे अली पर मुस्कुराता हूं वकील, बात है मेरा लहू इजहार होना चाहिए। और हर किसी को दौलत इश्क अली मिलती नहीं, पहले माँ को साहिब किरदार होना। सदाएं बुलंद करने वालों पर चौधरीदार मोहतरम, बात इल्म और अदब की थी। अली की इल्मियत का एतराफ करते हुए अली के खुतबात आलिया नहजुल बलागा को जामतुल अजहर यूनिवर्सिटी के निसाब में भी शामिल किया गया है। शायर मौला कायनात अपने आका व मौला की इल्मियत का तस्करा करते हुए यूं कहता है कि बनते हिसाब फलसफा जोरे बयान भी। अब ये संजीदा मिश्र समाज फरमाए कि बनते हिसाब फलसफा जोरे बयान भी। इल्म और अदब की जान तो हैदर के पास थी, और नहजुल बलागा पढ़ के ये उगता भी खुल गया, गूंगे से सब जबान तो हैदर के पास। नहजुल बलागा पढ़ के ये ओहदा भी खुल गया, गूंगे थे सब जबान तो हैदर के पास थी। आइए इन्हीं मिसरों के सहारे मैं आवाज दे रहा हूं जनाबे नजफ जौनपुरी को, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। और आप हजरात के गोश गुजार कर दूं कि हमारे मेहमान शायर जनाबे नरेंद्र उज्जैनी साहब, जिनसे आपने गैर तरई कलाम समाप्त फरमाया है, और इंशाल्लाह वो अपने वक्त और मुकाम पर तरई कलाम भी बारगाह मौलाए कायनात में पेश करेंगे। जमाने का मुश्किल कुशा आ रहा है, इससे पहले कथा समाप्त करना है। रहनुमा और आपके जैसा लिए मुर्तजा, रहनुमा और आपके देखा लिए मुर्तजा।
दहशत हो के दीवार का वा पुकारी, ये शक हो के दीवार का वा पुकारी, नए दर से उबदा खुशा आ रहा है, नए दर से उबदा खुशा आ रहा है, और सजा कर हरम को ये जिब्रील बोले, सजा कर हरम को ये जिब्रील बोले, जमाने का मुश्किल खुशा आ रहा है, जमाने का मुश्किल खुशा आ रहा है, और कोई भी न समझेगा जुज मुस्तफा के, कोई भी न समझेगा जुज मुस्तफा के, ये उस राज की इब्तिदा आ रहा है, ये उस राज की इब्तिदा आ रहा है। और भला इस कदर खुश न हो क्यों मोहम्मद, भला इस कदर खुश न क्यों हो मोहम्मद, के जब आपका मुद्दा आ रहा है, के जब आपका मुद्दा आ रहा है, और जिसे देख कर गश में आए थे मूसा, जिसे देख कर गश में आए थे मूसा, वही नूर सरता बापा आ रहा है, वही नूर सरता बापा आ रहा है। है क्या अहद तिफली बताएगा अस्तर, है क्या अहद तिफली बताएगा अस्तर, जमानी का खैबर खुशा आ रहा है, और रुकू में अंगूठी दिसायल को जिसने, रुकू में अंगूठी दिसायल को जिसने, वही मान के इन्नमा आ रहा है। अब मलक ले गया उस तरफ जौ की रोटी, इधर सूरह हलता आ रहा है, इधर सूरह हलता आ रहा है। और हदों में न होंगे फजाइल अली के, ये फरमान रब्बे उला आ रहा है, और इशारे से जिसके पलट आया सूरज, इशारे से जिसके पलट आया सूरज, जमाने का फरमान रवा आ रहा है। और दिया मुस्तफा ने जो मिंबर से खुम के, वही दीन का रहनुमा आ रहा है। और जो पहले अजल से है आगे अवध के, जो पहले अजल से है आगे अवध के, मोहम्मद का वो आईना आ रहा है, मोहम्मद का वो आईना आ रहा है। और निगाहों से कुरान देखो तो हर सू, निगाहों से कुरान देखो तो हर सू, नजर मुर्तजा जा बजा आ रहा है। और फकत नफ्स हक हमने माना है इनको, मगर बास बोले खुदा आ रहा है। और ये हिजरत की शब दुश्मनों ने भी समझा के बिस्तर से खुद मुस्तफा आ रहा है। और जो हमें क्या ये महशर, हमी क्या ये महशर में आदम कहेंगे, हमी क्या ये महशर में आदम कहेंगे, वो देखो मेरा पेशवा आ रहा है, वो देखो मेरा पेशवा आ रहा है। और नजफ सर झुका ले, नजफ नजफ सर झुका ले, नजफ में चलो तुम, नजफ सर झुका के नजफ में चलो तुम, अली का या अली कह के
شب و روز ہوا کرتے ہیں, معجزے ایسے شب و روز ہوا کرتے ہیں, ہم اگر نعت علی پڑھتے ہیں حیرت کیوں ہے؟ پر یہ تو مشکل میں پیغمبر بھی پڑھا کرتے. ہم اگر نعت علی پڑھتے ہیں حیرت کیوں ہے؟ یہ تو مشکل میں پیغمبر بھی پڑھا کرتے ہیں. درود بھیجے محمد والے محمد. ذرا ہی کلام پیش کر رہا ہوں, مطلب سوال فرمائے جہاں جہاں حضرات مدی بھائی جگہ. ذکر محمد.
करिए कि हंसकर जिदारे खाने हक बोली बुतो समझ जाऊंगा जरा हंसकर जिदारे खाने हक बोली बुतो मत लाए
नौ मिल गया है आज मसला समाप्त फरमाए कि साथी साथी तेरे हुजूर में ये इल्तिजा है यार मसला समाप्त फरमाए हुजूर कि साथी तेरे हुजूर में ये इल्तिजा Hey!
से समाप्त करें। ये कौन आया अली के घर में, ये कौन आया अली के घर में, अली भी खुद मुस्कुरा रहे हैं। ये कौन आया अली के घर में, अली भी खुद मुस्कुरा रहे हैं। इन्हीं को एक दिन अलम मिलेगा, अभी से बाजू बता रहे हैं। इन्हीं को एक दिन अलम मिलेगा, अभी से बाजू बता रहे हैं। मलक झुलाते थे उनका झूला, हुसैन झूले में जब भी होते, मलक झुलाते थे उनका झूला। ये कौन आराम कर रहा है, हुसैन झूला महले बैद की उल्फत में जब मचलते हैं, हम अहले बैद की उल्फत में जब मचलते हैं, हम अहले बैद की उल्फत में जब मचलते हैं। मुनाफिकीन ज़हन हमसे पहले जलते हैं, मुनाफिकीन ज़हन हमसे पहले जलते हैं। अंधेरे आओ उजालों की दिलकशी देखो, अंधेरे आओ उजालों की दिल देखो। गरीब खाने में 14 चराग जलते हैं, गरीब खाने में 14 चराग जलते हैं। मुला निशान निशान मेरा जो मुश्किल कुशा है, मेरा जो मुश्किल कुशा है, खुले माए अली, मेरा जो मुश्किल कुशा है, खुले माए अली, जो मेरा जो मुश्किल कुशा है, कुल की माए अली, जो तेरी का खुदा है
आतिथ्य बतौर खास हजरत दीन हक के बाद ते कुर्बान सब कुछ कर दिया, कुर्बान सब कुछ कर दिया, हर जमाने के लिए शम्मे फरोजा है, हर जमाने के लिए शम्मे फरोजा है। और इस शेर मैंने बहुत ही भरोसे के साथ और अकीदे से कहा है, बतौर खात्मा सुनाया था। मेरा तेरा मेरा संकट मोचन, मेरा तेरा मेरा संकट मोचन, वो देखो देवता,
जहां पर की माथा में धरता हूं नीरू अली का नगर नक्श पा मैदान में खड़े हो मुझा